नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हुआ निधन, राजनीतिक गलियारों में दौड़ी शोक की लहर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, भारी बारिश में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 81 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1900 के पार। एसएसबी और बांका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार नक्सली गिरफ्तार, लूट बमबाजी सहित कई मामले में थी पुलिस को तलाश। और नवगछिया में नए पुलिस कप्तान ने किया पदभार ग्रहण, कहा अपराध पर नियंत्रण होगी पहली प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का मंगलवार की सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके पुत्र और यूपी सरकार के मंत्री ने ट्वीट कर की है। सोमवार की देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। मंगलवार की सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी और अहम सहयोगियों में से एक थे। वर्ष 2018 में लालजी टंडन को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया। लालजी टंडन के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार में अगले 3 दिनों तक मानसून का गहरा असर रहेगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से लेकर उत्तर बिहार के तराई क्षेत्र तक भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तर बिहार के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को तैयार रहने के लिए कहा गया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। इधर भागलपुर जिला में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण शहर में कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को पूरे उत्तर बिहार में 200 mm से अधिक बारिश हुई। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली और बांका में समान रूप से बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बरसों बाद श्रावण माह में समान रूप से इतने बड़े क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। वहीं इस बार बारिश के दो असर देखने को मिल रहे हैं। एक तो सभी जगह के जलस्तर में सुधार आया है, दूसरा जल जमाव से शहरी क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिन जिलों में बारिश हुई है वहां शहरी क्षेत्र में जल जमाव से परेशानी बढ़ गई है। कई गली मोहल्ले पूरी तरह पानी से घिर गए हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण दियारा इलाके में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही तेज बारिश और बाढ़ के साथ साथ कई स्थानों पर आकाश या बिजली का कहर भी जारी है। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या जिलेवासियों के लिए संकट का संदेश दे रही है। सूबे में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी कोरोना पर शिकंजा कसने में विफल नजर आ रहा है। मंगलवार को आई ताजा आंकड़े की यदि बात करें तो जिले में 81 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच चुका है। इसके बावजूद शहर में लॉकडाउन का तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है और ना ही लोग घरों में रहने वाली बात को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं पड़ोसी जिला बांका से 14 एवं मुंगेर से 5 संक्रमितों के अलावा पूर्णिया से 29 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इधर राजधानी पटना में हमेशा की तरह राज्य में सर्वाधिक 130 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार हो रही वृद्धि लॉकडाउन को विवश साबित कर रही है। बांका एएसपी अभियान पवन उपाध्याय के निर्देश पर सुइया एसएसबी एवं आनंदपुर ओपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गहली गांव से एक वांछित नक्सली ठाकुर खैरा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एरिया कमांडर मंटू खैरा गैंग के सक्रिय सदस्यों में से एक बताया जा रहा है। ठाकुर खैरा के खिलाफ कटोरिया एवं बेलहर थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। छापेमारी टीम का नेतृत्व एसएसबी इंस्पेक्टर सिकंदर शर्मा एवं आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सतीश कुमार ने किया। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी 2017 को पुलिस एवं मंटू खैरा गैंग के बीच जब मुठभेड़ चल रही थी तो वहां नक्सली ठाकुर खैरा भी मौजूद था। मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी थी, लेकिन वह भाग निकलने में सफल रहा था।
पुलिस जिला नवगछिया की नई एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि नवगछिया में अपराध पर नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एसपी ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का संकट है, ऐसे में महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने महामारी के दौर में एहतियात बरतते हुए खुद को सुरक्षित रखने एवं मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलने की अपील नवगछिया वासियों से की है। साथ ही एसपी ने कहा कि विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम की समस्या का समाधान भागलपुर पुलिस के सहयोग से किया जाएगा। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले चुनाव को संपन्न कराना। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे पूरा जोर रहेगा। पूर्व के केसेस में कांडों में जो अपराधी अभी भी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी, लंबित कांडों का सही तरीके से निष्पादन, इन पे फोकस रहेगा। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल पे हमारा ध्यान रहेगा। यहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं जो हाल ही में जिनकी अरेस्ट वगैरह हुई है, तो उनके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल चला के उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने की जो है वो कोशिश रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी और भुखमरी के शिकार प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद इल्ला खान के परिवार की सहायता के लिए शहर के लोग आगे आने लगे हैं। दरअसल सोमवार को शिल्क टीवी ने अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में राष्ट्रपति और बिहार सरकार से पुरस्कृत शहनाई वादक के परिवार की विकट स्थिति को प्रमुखता से दिखाया था।
जिसके बाद मंगलवार को भागलपुर के कुछ समाज सेवियों ने उनके आवास पर जाकर हालचाल जाना, साथ ही आर्थिक मदद भी की। वहीं बूढ़ानाथ के रहने वाले प्रसिद्ध तबला वादक अनुमेह मिश्रा ने सहनाई के शहंशाह उस्ताद इल्ला खान के परिवार की हर संभव सहायता करने की बात कही है। संगीत के शिक्षक अनुमेह मिश्रा ने कहा कि हम लोग जिले के सभी कलाकारों से संपर्क कर रहे हैं और जल्द ही आपस में राशि इकट्ठा कर उनके परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर केवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि खान साहब को जो धीरे धीरे भागलपुर के कलाकार या भागलपुर के लोग, समाज के लोग धीरे धीरे जो भूल रहे थे कि उनका भी परिवार भागलपुर में है, आपने उनको याद दिलाया, फिर से एक बार धन्यवाद। और हम भागलपुर के कलाकारों से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधि से और जितने भी समाज के लोग हैं, कलाकार हैं, खास करके कलाकारों से हम एक विनती करते हैं, मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि खान साहब जब तक जीवित थे तब तक तो उन्हें चाचा जी, मामा जी, उस्ताद जी, खान साहब, गुरु जी का संज्ञा मिलता रहा। अब उनके निधन होने के बाद ये संज्ञा क्यों लोग भूल गए? अब उनके परिवार के प्रतीक हम कलाकारों को और सजग होना चाहिए और ज्यादा चिंता करना चाहिए कि खान साहब नहीं है, उनकी बेटियां हैं, दो दो बेटी है जो शादी के योग्य है, बेटा है पढ़ लिख रहा है कि क्या कर रहा है, कैसे है। और इस वर्तमान स्थिति में जो कि कमाने वाले कलाकार हैं उनकी भी स्थिति खराब है, तो वो तो बेसहाय लोग हैं, तो उनका कम से कम हम कलाकारों की तरफ से एक, अगर 100 कलाकार भागलपुर के हैं और 100 कलाकार सोचें तो अपने पॉकेट मनी से अगर 500 रुपए भी दें तो एक बहुत बड़ा राशि उनको सहयोग के लिए मिलेगा। भागलपुर मधुसूदनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नया टोला मिर्जापुर इलाके का शातिर बदमाश लालजी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लालजी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पूर्व में भी लालजी यादव बंधन बैंक कर्मी से लूटपाट करने के आरोप में जेल जा चुका है। उसके पास से बैंक कर्मी से लूटे गए रुपए भी बरामद हुए थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि इलाके में बदमाश लालजी के बेखौफ होकर हथियार के साथ घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर लालजी को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बंधन बैंक कर्मी से लूटपाट मामले में लालजी यादव जब से जेल से छूटकर बाहर आया था तब से इसके बदमाशी की शिकायत रोज मिल रही थी। रविवार को हथियार के साथ होने की सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के रानी दियारा पंचायत में राशन कार्ड वितरण में एक बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर वीडियो रंजन लाल निगम ने राशन कार्ड वितरण की जांच की। जांच के क्रम में पाया गया कि पंचायत सचिव गणपत यादव ने प्रखंड से राशन कार्ड प्राप्त करके मनोज कुमार ठाकुर को बांटने दे दिया था, जिसने प्रत्येक कार्ड के पीछे 1,000 से 1,500 रुपए लेकर राशन कार्ड वितरण किया है। मनोज कुमार ठाकुर के घर से 48 राशन कार्ड भी जब्त किया गया। वीडियो ने कहा कि एक राशन कार्ड रूबी देवी को दिया गया एवं शेष बचे राशन कार्ड को उचित माध्यम से लाभुकों के बीच वितरण कराया जाएगा, साथ ही पंचायत सचिव एवं मनोज ठाकुर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो ने कहा कि जांच में पता चला कि विकास मित्र पुतुल देवी बाराहाट में आवास पर रहती है और क्षेत्र में नहीं आती है। उनकी जगह पर मनोज ठाकुर विकास मित्र एवं पंचायत सचिव के मुंशी के रूप में काम करते हैं, जो कानूनन अपराध है। वहीं वीडियो ने सभी पंचायत सचिव को निर्देश दिया है कि अगर किसी पंचायत में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो दोषी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बांका चांदन प्रखंड के कटसकरा गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय मंजेश यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक मंजेश अपने खेत में पटवन के लिए मोटर लगा रहा था, तभी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। इधर मामले की सूचना मिलते ही आनंदपुर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांकामरपुर थाना क्षेत्र खेमीचक गांव के समीप मंगलवार को मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान एक कार संतुलन खोकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हालांकि घटना में कार पर सवार लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से कार के अंदर बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि झारखंड देवघर निवासी ललन कुमार अपनी मां रंभा देवी का इलाज कराने अमरपुर के रास्ते भागलपुर आ रहे थे, तभी खेमीचक पेट्रोल पंप के समीप एक बाइक चालक कार के सामने आ गए, जिसके कारण ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हालांकि सीट बेल्ट बंधे रहने के कारण कार में सवार लोगों को कोई क्षति नहीं हुई है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हुआ निधन, राजनीतिक गलियारों में दौड़ी शोक की लहर।
मौसम विभाग का अलर्ट जारी, भारी बारिश में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 81 पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1900 के पार। एसएसबी और बांका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार नक्सली गिरफ्तार, लूट बमबाजी सहित कई मामले में थी पुलिस को तलाश। और नवगछिया में नए पुलिस कप्तान ने किया पदभार ग्रहण, कहा अपराध पर नियंत्रण होगी पहली प्राथमिकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।